पब्लिक टीवी आपकी आवाज। संबल जिले के ग्राम पाली में राशन नहीं मिलने के कारण अशोक डीलर के खिलाफ ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन। ग्रामीणों का कहना है कि 4 महीने से राशन नहीं मिला है, न ही एप्लीकेशन लगाने पर कोई सुनवाई नहीं हो पाती है। अगर ग्रामीण कोई शिकायत करने जाते हैं तो वही पर कोई शिकायत नहीं हो पाती, कोई भी अधिकारी उनको सुनने को तैयार नहीं हो पाता। अगर ग्रामीण राशन डीलर के पास अगर राशन लेने जाते हैं तो डरा धमकाकर भगा देते हैं। कुछ ग्रामीणों का कहना है कि पिछले 2 महीने से राशन नहीं मिला, किसी को 4 महीने से नहीं मिला तो किसी को 1 साल से राशन नहीं मिला है। ऐसे में ग्रामीण शिकायत करना चाहें तो कहां जाएं, तो किसके पास जाएं, कोई भी सरकारी अधिकारी सुनने को तैयार नहीं हो पाता। ऐसे में देखना यह है कि ग्रामीणों की कौन सुनता है। क्या समस्या है आपको? गल्ला कब से नहीं मिल रहा आपको? मतलब कितने टाइम से नहीं मिल रहा? यानी कि 4-5 महीने से आपको राशन ही नहीं मिला है। क्या काम करते हैं आपके हस्बैंड? छह 7 महीने हो गए, मेरा तो 6 नोट है, सारे कटवा दिए, बिल्कुल गल्ला नहीं मिलता। वही मजदूर आदमी यदि बोले तुम्हारी कोई सुबारे बोले मैंने चढ़वा दिया, ये करवा दिया, वो करवा दिया, अगर चढ़ते भी है नहीं, कम से कम 8-9 महीने आने लगाई थी, बोले तुमसे क्या हो रहा है, कितनी लगा दो। यानी कि डीलर साहब ये बात खुद कहते हैं कि तुमसे क्या हो रहा है, तुमसे क्या हो रहा है, फिर हम अपने चले आए घर को। यानी कि मतलब गरीब आदमी की कोई सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। यानी कि SDM साहब पे या कहीं भी राशन कार्ड विभाग में जाकर एप्लीकेशन लगाते हैं, वो लोग भी आपकी सुनने के लिए तैयार नहीं होते।